सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है आपके कमेंट्स के ऊपर। सो मैं एक रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी सुरभि ज्योति का, आप भी चाहो तो देख सकते हो। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था और वो कुछ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही थी, जो कि कंसीविंग के बारे में था। और उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया था कि कंसीव करने में उन्हें इशू हो रहा था, तो उन्होंने जाकर डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने उनको एक टेस्ट सजेस्ट किया, उसका नाम था HSG, है ना। और HSG हम मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं HSG के लिए। तो HSG एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें औरत इमोशनली फिज़िकली दोनों में ही परेशान हो जाती है और काफ़ी मेंटल प्रेशर भी पड़ता है उसको। तो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं मैं उन वीडियोस के बारे में बात करती हूँ। तो और आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है और औरत औरत को ना समझे। ये तो हमारे यहाँ एक कल्चर ही हो गया है कि एक औरत दूसरी औरत को नहीं समझना चाहती। और अपना दुख तो ठीक है, दूसरे का दुख उसे लगता है कि मजाक है ये। सो वहाँ पर मैं कुछ कॉमेंट्स पढ़ रही थी, मैं आपको कॉमेंट्स फ्लैश करके भी दिखाऊँगी अभी, कि उसमें कमेंट्स थे कि ये औरत झूठ बोल रही है, सिर्फ सिंपैथी के लिए सारी चीज़ें कर रही है, तो इसको खाली पब्लिसिटी चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट करना है इसको, खुद को फेमस करना है फिर से, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से 3 साल से आई थिंक खाली के बाद से टीवी इंडस्ट्री से दूर है। तो सुरभि ज्योति, मैं आपको बता दूँ, टीवी इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं और थी तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि क्या पता अभी कमबैक हो जाए उनका। सो उन्होंने शादी की, उसके बाद उनको कुछ इश्यूज हुए, वो आप जाके उनके इंटरव्यू में देख सकते हैं। मैं यहाँ पर HSG के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने कमेंट्स उनके वीडियोस में देखे नीचे। और कई बार यहाँ वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये औरत झूठ बोल रही है सिर्फ सिंपैथी के लिए। ऐसा कोई टेस्ट है ही नहीं जो एनेस्थीसिया के थ्रू कराया जाता हो। मेरा तो टेस्ट जो है विदाउट एनेस्थीसिया हुआ और इस टेस्ट में एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर ऐसे कमेंट्स थे और जो मैंने पढ़े, तो मुझे लगा यार ये लोग कौन सी दुनिया से आते हैं जो ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट विदाउट एनेस्थीसिया ही होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो करा के आई, थोड़ी देर बाद में चलने लग गई। जी हाँ, अब चलने लगी होंगी। यह आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ एक ही जैसे होता है, लेकिन ये टेस्ट पेनफुल होता है। इवन डॉक्टर भी आपको एडवाइस करते हैं कि आप एनेस्थीसिया के थ्रू करा लें। तो कई बार हम बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं करा पाते। वो रीज़न होता है फाइनेंशली, वो रीज़न होता है कि हमें कुछ ऐसी एडवाइस दी जाती है कि अगर आप एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे तो आपके साथ ये होगा वो होगा। सो उन्होंने जो रीज़न दिया वो था फाइनेंशली, कि उनको फाइनेंशली दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने विदाउट एनेस्थीसिया कराया। और एक और रीज़न होता है कि अगर आप एनेस्थीसिया लेते हैं तो आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसका खर्चा काफ़ी आ जाता है। जो टेस्ट आपको 3500 तक का पड़ रहा है विदाउट एनेस्थीसिया, कहीं ना कहीं जाके वो एनेस्थीसिया के साथ आपको अराउंड 10 के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसमें आपके हॉस्पिटल चार्जेस, रूम का चार्जेस, एनेस्थीसिया का चार्ज और जो आपको डॉक्टर वगैरह देखने आएंगे उसके चार्जेस काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट में तो वेरिएशन आती ही है, प्लस आपका जो एक समय बच जाता है कि आप तुरंत घर आके अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा समय कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना है, तो आप हॉस्पिटल से आते ही तो घूमने फिरने नहीं लग जाएंगे। तो मेरे साथ तो ये हुआ था, मैं आपको रियलिटी भी बता दूँ कि मैंने विदाउट एनेस्थीसिया क्यों कराया था, क्योंकि मुझे भी वो कॉस्ट दिख रही थी, जो कि कॉस्ट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही थी, मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार का डिफरेंस आ रहा था, प्लस मुझे 24 घंटे हॉस्पिटल में भी रहना पड़ जाता अगर मैंने एनेस्थीसिया करवाती। तो मैंने उस टाइम मतलब खुद को हिम्मत देकर अपने हस्बैंड को झूठ बोलकर कि हाँ मैं नहीं करा लूँगी, मैं एनेस्थीसिया के थ्रू नहीं कराना चाहती। उन्होंने वो कहीं ना कहीं वो समझ तो गए थे कि हाँ ये क्यों ऐसा कर रही है। तो मैंने भी विदाउट एनेस्थीसिया इसीलिए कराया था क्योंकि मुझे कॉस्ट का इशू हो रहा था। सो वहाँ पर जो कमेंट फ्लैश हो रहे थे, मैं उन्हीं लोगों के बारे में बात करने आई हूँ। और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं मेरे चैनल पर भी आके कि ये टेस्ट बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, आप झूठ बोल रहे हैं। सो देखिए, बहुत सारे औरतों में काफ़ी अलग अलग
फंक्शंस हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सारी औरतें एक जैसी होती हैं, किसी किसी को डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को मैंने सुना है कि 2-3 घंटे में ही बेबी हो जाता है। वैसे ही टेस्ट भी है, कोई सोचता है कि तुरंत टेस्ट हो गया तुरंत ठीक हो गए हम, सो हमेशा तो हम रोते नहीं रहेंगे। इवन मैंने टेस्ट के बाद आप लोगों से भी बात की थी और मेरी पूरी जर्नी आपने देखी है, सो वहाँ पर मैं रो नहीं रही हूँ, बहुत नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन इंटरनली हमें क्या फील होता है ये एक औरत ही जानती है कि उस 5 मिनट के प्रोसेस के दौरान ऐसा लगता है भगवान हमने जन्म ही क्यों लिया एक औरत बनकर, क्योंकि इतना दर्द होता है उस टाइम कि बस ऐसा लगता है बस ये बंद कर दे ये टेस्ट, इस तरह का फील होता है। अगर आप एनेस्थीसिया के थ्रू कराते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, और कई बार लोगों को एनेस्थीसिया के बाद भी पेन होता है क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ तो इंसर्ट हुआ है, कुछ तो अलग किया गया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इतनी जल्दी तो एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। सो ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि एनेस्थीसिया के थ्रू कराना ज़रूरी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो विदाउट एनेस्थीसिया भी करा सकते हैं और आप चाहें तो एनेस्थीसिया के साथ भी करा सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन माइंड कि आपका माइंड मेकअप कैसा है, और आप अगर मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे तो बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन दर्द से यही है कि आपको उतना फील नहीं होता, जितना आप एनेस्थीसिया कराएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बॉडी तो थोड़ी देर, देखिए 1-2 दिन तो आपको रिकवरी लगती ही है, चाहे वो एनेस्थीसिया के थ्रू कराओ या फिर विदाउट कराओ। सडनली आप चल जरूर सकते हैं लेकिन इंटरनल आपको नहीं पता कि क्या हो रहा होगा। सो ये वहाँ के कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर किया मैंने, और मुझे लगता है ज़रूरी भी था क्योंकि इधर उधर की बातों में हम बहुत आते हैं। और बस यही था कि किसी को ऐसे मत बोलिए कि अबे ये तो झूठ बोल रही है, या कुछ भी ऐसा मत बोलिए, चाहे वो एक टीवी एक्ट्रेस हो या फिर एक नॉर्मल वूमेन हो या एक हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, क्योंकि दुख होता है वो जिस जो उस प्रोसेस से गुजरता है इनफर्टिलिटी के दौरान, वो मुझे लगता है कि एक बहुत पेनफुल मेंटली फिजिकली एक टॉर्चर की तरह हो जाता है जब आप उसे ये पूछते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं होता, ये तो कुछ भी नहीं होता, इस तरह की बात है। सो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। सो अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कॉमेंट करके बताएँ कि आपकी क्या राय है और आपका कैसा चल रहा है टाइम, अभी क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आप मुझे कॉमेंट करके सर बता सकते हैं, कुछ सजेशन हो तो दे सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।